नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आईसीटी मीडिया यूट्यूब न्यूज। साथियों, आज महेंद्रगढ़ में 21 जुलाई 2020 को भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के बैनर पर आज जाट गांव में सरकार के श्रम मंत्री और जिला प्रशासन का पुतला फूका। आपको बताना चाहेंगे, आज महेंद्रगढ़ जिले के जाट गांव में यूनियन नेता शिव कुमार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार ने गाँव में जाट में यूनियन के बैनर पर मीटिंग की गई, जिसमें सरकार का मजदूर विरोधी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया। नेताओं ने बताया कि महेंद्रगढ़ बस अड्डे के सामने सीटू को और अन्य यूनियनों का विरोध प्रदर्शन करते हुए आज धरना का 9वां दिन भी बारिश के होते हुए धरना चलता रहा। धरने की अध्यक्षता संयुक्त यूनियनों ने की। संचालन सीटू ने शिव कुमार ने बताया और कहा कि कई बार जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री, हरियाणा सरकार और जिला उपायुक्त को ज्ञापन भेजे गए, मगर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर निर्माण मजदूरों ने सरकार का पुतला फूंकने पर आमदा उठाए। महेंद्रगढ़ जिला के जाट गांव में निर्माण मजदूर को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा, केंद्र व राज्य सरकार कोरोना का बहाना बनाकर ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला कर रही है। कोयला, डिफेंस, बिजली, विनिर्माण क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। कोरोना संकट के चलते निर्माण सामग्री के रेटों में बेहताशा बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण निर्माण उद्योग जो पहले ही मंदी की चपेट में था, सरकार निर्माण उद्योग पर बजट बढ़ाने की बजाय इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हवाले किया जा रहा है। ऊपर से डीजल व पेट्रोल के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी करने से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण पहले ही महंगाई से त्रस्त आम जनता व मजदूर वर्ग की परेशानियां बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार देश स्तर पर निर्माण मजदूरों के लिए बने श्रम कल्याण बोर्ड को और दूसरे बोर्ड में आयोजित करने का कदम उठा रही है, जिसका निर्माण मजदूरों पर भारी मार पड़ने जा रही है। यूनियन नेताओं ने आगे बताया कि निर्माण मजदूरों को ऑनलाइन व ऑफलाइन के फेर में फंसा कर निर्माण मजदूरों के बोर्ड को ही खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हरियाणा में 2007 में बोर्ड के गठन के समय से ही निर्माण मजदूरों की मान्यता प्राप्त यूनियनों को मजदूरों के पंजीकरण व नवीनकरण करवाने के लिए एक वर्ष में 90 दिन के तस्दीक करने की अथॉरिटी थी, मगर निर्माण के काम की जिसकी तस्दीक कानून के मुताबिक यूनियनों को भी अधिकार मिला हुआ था, लेकिन प्रदेश सरकार व कल्याण बोर्ड ने अपनी मनमानी करते हुए यूनियनों को इस अधिकार से वंचित कर दिया और पंचायत सचिव, पटवारी सहित अन्य अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया, जिससे निर्माण मजदूर दर दर भटकने का काम सरकार कर रही है। जो अधिकारी इस काम को करने के लिए नियुक्त किए हैं, वे इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते प्रदेश में पिछले 13 सालों में पंजीकृत हुए लाखों निर्माण मजदूर अपना पंजीकरण खोने को मजबूर हो गए जाएंगे और कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस महामारी के चलते सबसे बड़ा संकट निर्माण उद्योग पर आया है, ऐसे समय में भी सरकार व बोर्ड अधिकारी निर्माण मजदूरों को राहत पहुंचाने की बजाय नई नई शर्तें लगाकर ऑनलाइन सुविधा फार्मों को कैंसिल कर रही है। यूनियन ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की है कि हम मजदूरों को 6 माह तक 7500 रुपये नगद व फ्री राशन की व्यवस्था की जाए, रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त यूनियनों को 90 दिन की तस्दीक की अथॉरिटी जारी की जाए, सुविधाओं पर अनाप शनाप शर्तों पर रोक लगे, बकाया फार्मों की सुविधा राशि जल्द से जल्द जारी की जाए, महेंद्रगढ़ जिले में BOCW बोर्ड का कार्यालय खोला जाए, सभी गांव में 200 दिन मनरेगा के तहत काम व 600 रुपए दिहाड़ी दी जाए, श्रम कानून और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले बंद हो, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगे। अगर केंद्र व राज्य सरकार समय रहते निर्माण मजदूर विरोधी नीतियों से पीछे नहीं हटी तो निर्माण मजदूर बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, इसकी जिम्मेवारी प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी। आज की मीटिंग में यूनियन नेता सतनाली से राजबीर सिंह, शिव कुमार, महावीर सिंह जाट, मुकेश राजेश, मुकेश फंडिया, बलबीर सुरेश, संजय, विनोद, कृष्णा, हनुमान, मेहरा, सुरेश मेहता, अनिता, जतीन, सुनीता, सुशला, रामकला, रीता रानी, राजबीर, सोनू सुबे आदि ने इनको संबोधित किया। जारीकर्ता शिव कुमार, धन्यवाद। लेकिन सरकार ने सहानुभूति बटोरने के लिए, सहानुभूति का मतलब है कि हम
हमदर्दी सरकार से कैसे हो, ये बटोरने के लिए हर गांव में 2, 4, 5, 10 पकड़ रखे थे। अरे दवाई नहीं उसकी, जी बीमारी की दवाई नहीं, और 5 दिन कमरा में 10 दिन कमरा बंद करके ठीक हो रो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो बीमारी बिना दवाई के ठीक हो जा, वो आगे बीमारी हो जाए। या सरकार सुस्ती वो लेने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। कोई बीमारी नहीं, हृदय कष्ट है, वो चाहे है पता सारा वितरण कर वो बचे नहीं। अपने इलाके में किसी को नहीं है, कोई एक अच्छा से और प्यारा हो गया उड़े नहीं जाए, वो सब जब करो हॉस्पिटल में जिसका सर थोड़ी बहुत है पूरा निराखो सब जग देती है। अगर अपने इलाके में कोई है तो उनका कुछ भी बोलना, खाली लोग ड्रामा कर रखे जाए। ड्रामा सरकार से कैसे सहानुभूति हासिल की जाए पब्लिक से, सरकार ये चाह रही है। और कैसे मोटा धंधा इकट्ठा किया जाए, गांव गांव से 10 लाख, गांव से 5 लाख, गांव से 20 लाख, गांव से 3 लाख, यहां से 1 लाख।